मनुष्य ने वैज्ञानिक रूप से बहुत तरक्की की है। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य और अंतरिक्ष विज्ञान में प्रगति इसके पुख्ता प्रमाण है। लेकिन वैज्ञानिक विकास के साथ साथ चुनौतियां भी नए रूप में सामने आती रहती हैं। वर्तमान में विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या कोरोना वायरस के फैलने की है। कोरोना वायरस 100 से अधिक देशों में पहुंच चुका है और इससे मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। यही कारण है कि हर देश और सरकार इसके विस्तार को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही है। हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के माध्यम से 123 साल पुराने कानून एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के सेक्शन 2 को लागू करने का फैसला लिया है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक में 11 मार्च को लिया गया था। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2 के प्रावधानों को लागू करने की सलाह दी जानी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी सलाहों को ठीक से लागू किया जाए। अब यह जानते हैं कि आखिर यह एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 क्या होता है और इसे लागू करने का फैसला भारत सरकार ने क्यों लिया है। एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के बारे में, अबाउट एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। इस एक्ट में कुल मिलाकर 4 सेक्शन हैं और संभवतः यह सबसे छोटा एक्ट है। इस एक्ट के सेक्शन 2 में इसे लागू करने के लिए कुछ शक्तियां राज्य और सेक्शन 2A की शक्तियां केंद्र सरकार को किसी महामारी को दूर करने या कंट्रोल करने के लिए दी गई हैं। एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 की धारा 2 में लिखा है, जब राज्य सरकार को किसी समय ऐसा लगे कि उस राज्य के किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी फैल रही है और फैलने की आशंका है, तब अगर राज्य सरकार ये समझती है कि उस समय मौजूद कानून इस महामारी को रोकने के लिए नाकाफी है, तो राज्य सरकार कुछ उपाय कर सकती है। इन उपायों में लोगों को सार्वजनिक सूचना के जरिए रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम बताए जाते हैं। इसी एक्ट की धारा 2B में राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह रेल या बंदरगाह या अन्य प्रकार से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को, जिनके बारे में निरीक्षक अधिकारी को ये शंका हो कि वो महामारी ग्रस्त है, उन्हें किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार होगा। और यदि कोई संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति है तो उसकी जांच भी किसी निरीक्षण अधिकारी द्वारा करवा सकती है। एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 की धारा 2A में लिखा है, इनमें कहा गया है कि जब केंद्रीय सरकार को ऐसा लगे कि भारत या उसके अधीन किसी भाग में महामारी फैल चुकी है या फैलने की संभावना है, और केंद्र सरकार को यह लगता है कि मौजूदा कानून इस महामारी को रोकने में संभव सक्षम नहीं है, तो वह केंद्रीय सरकार कुछ कड़े कदम उठा सकती है, जिनमें शामिल है किसी भी संभावित क्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति जहाज का निरीक्षण कर सकती है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 3 में लिखा है, इसमें एक सख्त प्रावधान भी है। अगर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 का सेक्शन 3 लागू हो गया तो महामारी के संबंध में सरकारी आदेश न मानना अपराध होगा, और इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 188 के तहत सजा मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी को रोकने के लिए कोई अच्छा कदम उठाता है तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस प्रकार ऊपर दिए गए
इस प्रकार इस वीडियो से यह स्पष्ट है कि भारत सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उम्मीद है कि एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के प्रावधान लागू होने से इस बीमारी को देश में फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द सेम टाइप्स ऑफ वीडियोज़, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।